हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल स्ट्रीट जैसी एक मसाला की रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आप भी स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी लगती है खाने में। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर पैन। तो अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो पैन का ही यूज़ करें। और ऑयल को हम पूरी तरीके से यहाँ पर हम फैला लेंगे। और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉयल एक को दो टुकड़ों में कट करके पूरी पैन में हम फैला लेंगे। यहाँ पे हम अंडे को फ्राई करेंगे और यहाँ पे ऑयल को पूरी तरीके से हम फैला लेंगे ताकि अंडे जो है वो अच्छे से फ्राई हो सके। तो हमें एक साइड से हल्के गोल्डन करने हैं अंडे को, उसके बाद हम यहाँ पर पलट देंगे। तो यहाँ पर हल्के गोल्डन हो चुके थे तो मैंने सारे अंडे को दूसरी तरफ पलट दिए हैं ताकि दूसरी साइड भी अंडे जो है वो हल्के गोल्डन हो जाएँ। ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना है, हल्के गोल्डन ही हमें पकानी है। तो दोनों साइड से अंडे जो है वो गोल्डन हो चुके हैं तो अब हम सारे अंडे को प्लेट में निकाल लेंगे। तो अगर आप भी स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। उसी बची हुई ऑयल में हम डालेंगे यहाँ पर एकदम महीन चॉप की हुई लहसुन और यहाँ पर एकदम महीन चॉप की हुई प्याज। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके प्याज को हम हल्के गोल्डन होने तक पकने देंगे। तो प्याज यहाँ पे हल्के गोल्डन हो चुकी है तो यहाँ पे हम एक बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हाई फ्लेम पे इसे 10 से 15 सेकंड पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, कलर के हिसाब से हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आप जितना तीखा खाती हैं उस हिसाब से मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी चम्मच हम डालेंगे चिकन मसाला और आधी छोटी चम्मच डालेंगे हम मटन मसाला। और कलर के लिए हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मसाले जले नहीं इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे पहले। तो यहाँ पे जो है मसाले 1 से 2 मिनट मैंने पका लिए हैं। उसके बाद हम इसमें एकदम महीन चॉप की हुई टमाटर ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम तब पकाएंगे जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले जो है वो पैन से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, मतलब मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम बॉयल आने तक पकने देंगे। तो ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ चुकी है तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए सारे अंडे डाल देंगे और इसे एक साइड से हम 1 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसे पलट देंगे और हाई फ्लेम पर ही हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएँगे जब तक कि ग्रेवी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कंटिन्यू 1 मिनट पकाया है और ग्रेवी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। रेसिपी हमारी बनके तैयार है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।